ये है सब्सक्राइबर बने आपको भूख नहीं आइए जाओ कहाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग आज का है जो वो है राम कथा। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे कितने लोग आ रखे हैं, कैसा भजन होता है, इटी सब कुछ आपको शेयर करूँगा। हो सके तो ये मेरी ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिखाता हूँ आपको राम कथा में। और गाइस, हमारी टोली यहाँ पर तैयार हो चुकी है। लौंडे मोंडे तो कोई है नहीं, छोटे छोटे बच्चे ही हैं मेरे साथ। और हम चलेंगे अभी राम कथा की ओर। अभी फिलहाल एक कट्टा गेहूं का पीसना है, उसके बाद चलेंगे। काम सर्वप्रथम काम है, देन दूसरी चीज है। तो गाइस, गाड़ी हो गई है स्टार्ट, चलते हैं अभी ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड की तरफ ले चलते हैं आपको। और ड्राइविंग में आप मेरे को कितने नंबर देंगे? अच्छी ड्राइविंग नहीं आती वैसे, नया नया ही सीखा हूँ, बट चला लेता हूँ। मैं कह तो रहा कोई मुझे एरोप्लेन दे दे, हम वो चला ले, बस सिखा दे कोई दो दिन। सच ही सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे। कभी कभी किसी का नाम भी बोल देते हैं, हमारा नाम कब बोलेंगे? 600 कथा सुनी है। आप अपना नाम बुलवाने के लिए कथा में आते हैं, ये तो मेरी मौज। और मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लूं तो मेरे फ्लावर्स याद रखना, जिस व्यक्ति का नाम कोई विशेष गुण के कारण मैं लूं, वो गुण यदि आप में है तो आपका भी मैंने नाम ले लिया। नरस में है, नरस में है, शुक्र है, गाइस जी हमारे भाई लोग सब्सक्राइबर हैं वास वाले के, सभी बहन भाई ऐसे बोल देना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तीर्थराज का दर्जा पाए हो, एयरगेन मत सुनना। हमको बड़ी मुश्किल से मिली ये सीट गाइस, और ये इनको बैठने दे रहे हैं। सत बोलो वरना मत बोलो, ये तो हेमंत बैठ है। गाइस भी हैं सब्सक्राइबर वासुदेव के, बहुत बड़े सब्सक्राइबर, बहुत पहले सब्सक्राइब किया, बहुत अमूल्य है। सबसे बड़ी सब्सक्राइबर ये भी, बहुत बड़े सब्सक्राइबर, इनसे मिलिए सानिया दीदी। तो क्या छोटा नहीं मैं उधर के तो आप कुछ बोलना चाहोगे? जय श्री राम। आप कुछ बोलना चाहोगे? मुझे नहीं पता लगता। आप कुछ बोलना चाहोगे? आप कुछ बोलना चाहोगे? राधे राधे। दीदी आप कुछ बोलना चाहोगे? जय 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 माता दी। भारत का बच्चा बच्चा तो गाइस यहां पंखे लगे हैं, पंखों पे हवा नहीं आ रही है गाइस, पता नहीं क्यों नहीं। ये देखिए बच्चा, धन्यवाद। ये हमारा सब्सक्राइबर छोटा, बहुत छोटा सब्सक्राइबर है। बस तेरा हो के चला, तेरे वजूद से जाना ये आलम क्या। खाना पड़ता है गाइस, ये आलम क्या है वो पास। आप भी सब्सक्राइबर हो क्या? जो मुझे आपको कहना था गाइस, ने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए वास्तु ब्लॉग अभी सब्सक्राइब कर दो भैया के चैनल। यहाँ पे आ चुके हैं हमारे भैया जी। भैया जी को मिली सीट, हमारे बापू जी। अगर मैं समझ गया ना, तीन दिन का समय कोई कम समय नहीं है। कोई तो माई का लाल पूछता।
सब्सक्राइबर बने, आपको सच्चा भाव लेकर आए, यानी कर्म विद्या प्राप्त करें। और दूसरा गुना के श्रद्धा भी करें। जैसे स्त्री पुरुष की छाया है, जहां शरीर जाएगा नीचे छाया जाएगी, वैसे कथा में हम जाए तो कर्म को प्रयागराज बनाना है तो श्रद्धा हमारे पीछे छाया के रूप में, हम श्रद्धा से ज्ञान श्रद्धा वर्ण प्राप्त करें। तो गाइस ये हमारे यहाँ की मशहूर संस्कृति है, लोगों के भागवत में जाके यहाँ पे लंगर में खाना खा रही है गाइस। ये खाना खा के आई है, अभी देखिए इसका मुंह देख सकते हैं गाइस। और ये देखिए हमारे सब्सक्राइबर छोटे भाई, हम आए हैं जिलासू में जाके राम कथा हो रही है, और आपको हम सीधा ले जाएंगे यहाँ के सबसे प्रसिद्ध लंगर में गाइस। तो लंगर इधर साइड है, हम वहाँ जाके आपको सबसे बेहतरीन डिश दिखाएंगे जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है गाइस, एकदम फ्री फ्री बोलते हैं जिसे, तीन टाइम का खाना है। ओह माय गॉड गाइस, यार लोग आइसक्रीम खा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप प्यारी प्यारी लड़कियां आइसक्रीम खा रही हैं। मैं जान लेने के लिए तेरे साथ लड़के नहीं, प्यारी तो नहीं है पर लेकिन खा रही है। हम असफल होने जा रहे हैं, देखिए हम लंगर प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर अभी कुछ लगा नहीं है। ये अपने भाई लोग देख सकते हैं गाइस, यहां पे क्या बोल रहे हैं, देखिए हाय कर चल, ये सभी अपने भाई लोग यहां पे बैठे। टेढ़ू भाई मिले हैं, ये जिलासू के सबसे लंबे आदमी आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर बगल पे चार पांच लड़कियाँ थार के सामने फोटो खिंचा रही है और काफी ज्यादा शो ऑफ कर रही है, इन्हें कहते हैं पापा की परिया गाइस। छोड़ 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 गाइस, ये अपना भाई रोने बैठ गया है, फ्री का खाना खाने जा रहा है, फ्री का खाना खाने जा रहे हैं गाइस, हमको फ्री का खाना चाहिए। गाइस अभी इतनी गर्मी में और उमस हो गई यार, हम पी रहे हैं अभी पानी और वही देसी स्टाइल में पानी पियेंगे। देसी स्टाइल कैसे होती है, ये वाली स्टाइल जैसे धारा से पीते हैं पानी। Thank you.
राम भक्ति में जी। गाइस तो यहाँ पे खाने की तरफ, भोजन की तरफ आ चुका है। खाना खाने तो आज यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। विचित्र विचित्र लोग मिलने को मिल रहे हैं गाइस, विचित्र लोग। बहुत भीड़ है गाइस। आज जरा भात भी खाएंगे यार। तो आप इतनी सारी भीड़ लगी हुई है खाने के लिए, देख सकते हैं आईफोन के मोटो ब्लॉग आ रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा झुंडा मुझका ये छोटा सब्सक्राइबर, इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया है, इसने बताया नहीं हमने क्या। अभी कर सब्सक्राइब, अभी कर खोल फोन फोन खोल गाइस, देख सकते हैं आप ये सब्सक्राइब खाना खा खाने के समय इसे सब्सक्राइब करा रहे हैं। तब तक आप भीड़ का मजा लीजिए गाइस, कौन कौन आ रही है पसंद। गाइस ये हमारा सब्सक्राइबर मिल गया है, इसने सब्सक्राइब नहीं किया था, चोरी पकड़ी गई अभी इसके फोन ने सब्सक्राइब किया है। थैंक्स भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और भीड़ बढ़ती जा रही है। फाइनली गाइस हम जा रहे हैं यहाँ पर लंगर में खाना खाने, चलिए आप भी हमारे साथ। और लंगर में गाइस इधर इतने सारे लोग पहले भूखे गए थे के लिए रुके हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं सारे, माफी गाइस, ये सारे प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये ये उत्तराखंड के तो नहीं है गाइस, ये उत्तराखंड के तो नहीं लग रहे हैं, आपको लगता है कहीं दूर प्रदेश से आए हैं। ये देखिए गाइस बाबा, ये देखिए गाइस लोगों के तो अंदर धुत, जितना मांगो उतना सही। तो गाइस अभी मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ कोई सवारी लॉन्ग ड्राइव के लिए, या मतलब सवारी बुकिंग के लिए कोई दे दे 1000-1500 रुपये, हमारे भी खर्चा निकल जाए। मिल नहीं रहा कोई, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं अंदर ही बैठ गया। गाइस देख सकते हैं यहाँ का माहौल, पर हमें इतनी भीड़ में कोई बुकिंग नहीं मिल रही है। भैया जी गर्मी से यहाँ पसीना पसीना हो चुके हैं अंदर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ अंदर खा रहे हैं गाइस खाना, हम भी गए थे पर वहाँ बहुत भीड़ के कारण नहीं खा पाए। भैया जी कैसा लगा भीड़ में रहने का एक्सपीरियंस? मजा आया बहुत। बिना खाने के वापिस, और गर्मी से हालत खराब होगी, भयंकर खतरनाक, क्या बताऊं मैं। देख सकते हैं भीड़ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है गाइस। गाइस ये है हमारे सब्सक्राइबर, हेलो कर दो सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है। गाइस इनका कहना है कि इनको चैनल का नाम पता नहीं है, पर पता चल जाएगा गाइस धीरे धीरे। यहाँ पे लगा है छोटा सा मेला, एक छोटा सा मेला, किसी को कुछ चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। ऋतिक भैया दिखाएंगे यहाँ पे,
लस्सी से ले सकता है, एक छोटा सा है, स्मॉल साइज है, मालाएं हैं बड़ी बड़ी प्रकार की, अलग अलग प्रकार की बेहतरीन मालाएं हैं, क्लिप्स ले सकते हैं, खासकर लड़कियां, खासकर लड़कियां अपने लिए क्लिप ले सकती हैं यहाँ से। जय श्री राम। सो गाइस अभी हम जाने वाले हैं घर को, लोगों ने लंच कर दिया है और कथा तो समाप्त हो ही चुकी है, फिर भी जो लोग यहाँ बचे खुचे हैं, ये कोई लोकल है, कोई जो है उधर ही से आ रखे हैं, जाने की तैयारी में बस लंच कर रहे हैं और हम भी जाने की तैयारी में। और मैं सोचा कि कोई अगर बुकिंग वगैरह मिल जाती है तो अच्छा रहेगा, हमारे भी ज़रा खर्चा पर्चा निकल जाएगा, बट कोई मिल नहीं रहा था तो हमने खाना खा लिया और हम चलते हैं घर। चलो। और गाइस अगर आपको राफ्टिंग वगैरह भी करनी है तो आ जाइए, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। भाई आइए, जय हो। कहाँ चलो तो बता। कितना दोगे? अभी तुरंत ऐसे ही मैं घर जा रहा यार। है अच्छा, इसमें जाना है कसम से, चल आ जा, मैं गाड़ी लगा रहा। चले राफ्टिंग करने। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं राफ्टिंग करके, बहुत मज़ा आया। वहाँ मोबाइल नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि पानी पुनी गिर जाता है, तो इस चक्कर में मोबाइल ले जाना बेकार है, वहाँ भीग जाता है, इसीलिए बाकी आप देख सकते हैं पूरे कपड़े गीले हैं। ये देखो ये अभी भी अलकनंदा का पानी आ रहा है, मज़ा आ गया भाई। गाइस मैं भी भीग चुका हूँ। आई होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब हम वापस ही आ रहे थे तो उसके बाद हम राफ्टिंग करने के लिए चले गए थे, दोस्त रहता है तो उसने कहा कि राफ्टिंग चल जाता है, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि पानी के चक्कर में मोबाइल भीग जाता है, तो इसीलिए। बाकी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।